पाकिस्तान में तोहरा जो है वो वोट का हक दिया जाए और पाकिस्तान में बसने वाले जो भी अकलती हिंदू शेड्यूल कास्ट सभी जो कम्युनिटीज़ आबाद हैं उन्हें दो वोट का हक दिया जाए, एक तो वो जनरल सीट पे अपना वोट दे सकें और दूसरा वो अपने कबीले अपने इलाके और अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को वोट देकर उन्हें कामयाब करें। तो वो जो दोहरा वोट था जैसे असा सिंधी में बिट्टो वोट चाहता हूँ, उसके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिदोजहद भी की और अपने मंशूर में उसका ऐलान भी किया था। तो आज जो है मैं अपने एक अदना कारकुन की एसएसए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क्यादत तक ये आपकी मार्फत ये पहुँचाना चाह रहा हूँ कि दोहरे वोट का जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादा किया था वो आज मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से 10 नुकात का एजेंडा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पे अनाउंस किया है तो उसमें एक एजेंडा ये भी शामिल की जाए। और दूसरा ये कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के नाना ने शहीद अवाम जुल्फकार भुट्टो ने गरीब किसान हारियों के लिए जो ज़मीनें दी थी मैं आज उसमें इजाफा करते हुए चेयरमैन साहब को आपकी मार्फत ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि पूरी सिंध में जहाँ जहाँ भी जागीरदार फंस रहे हैं और वो आज तक उन ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं वो ज़मीनें उन गरीब किसानों तक वापस दिलवाई जाएँ। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 जो नुकात थे उसमें ये 2 नुकात का इजाफा किया जाए। मेरे दोस्तों साथियों उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से ये 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो सिंध प्रोविंस में और नेशनल असेंबली की 61 सीटें हैं और 61 सीटों में से साउथ सिंध जो है ये हमारे तमाम दोस्त आप तमाम पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं आपको बेहतर तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का अंदाज़ा होगा कि 61 सीट्स जो हैं सिंध में उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोर देन 28। मैं अपने आप के पास बहुत जो है डिटेल के साथ और तमाम तफसील के साथ चीज़ें गोश गुजार कर रहा हूँ कि 28 लेकिन यहाँ हमारे जो बनिए हैं जो ये अपर हिंदू सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट का हम दूसरा नंबर नहीं लेंगे, अगर शेड्यूल कास्ट का नंबर आगे होगा तो हम वो सीट नहीं लेंगे। बेहतर समझती है किस सिस्टम में उनको लेकर आते हैं लेकिन राणा साहब भी पार्टी में थे फिर पार्टी को चले गए फिर आ गए पार्टी के खिलाफ भी लड़े पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने नारे लगाए लेकिन पार्टी उनको बेहतर तरजीहत पे समझती है, वो पार्टी खुद अंदाजा कर लेती होगी कि उसको क्या प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि नंबर 1 जो है मुझे नहीं देते, मुझे नहीं, मुझे कोई पहले भी सुरेंद्र साहब को 5वां नंबर दे दिया मुझे खुशी हो गई, मेरा नाम कट गया सुरेंद्र आ गया तो मेरी क्लास का शेड्यूल कास्ट का बंदा था। डॉक्टर खट्टू मल का इतना है कि उसको पहला नंबर देते, इन सब तमाम बनियों को राजपूतों को आप दूसरा नंबर दे देते क्योंकि जब हमारी इलेक्शन होती थी तो खट्टूमल पहले नंबर पे कृष्ण दूसरे नंबर पे तब तो तीसरे नंबर वाला बनिया इस्तीफा नहीं देता था उसको तकलीफ नहीं होती थी। आज कहते हैं कि प्रायोरिटी लिस्ट पे अगर शेड्यूल कास्ट का बंदा नंबर 1 पे होगा तो दूसरे नंबर पे हम नहीं बन सकते क्योंकि किसी राजपूत का भील कोहली मेघवाड़ जो है वो वाइस चेयरमैन बनने के लिए तैयार नहीं है। ये आपके सामने सूरत हाल है थर पार करने इधर, ये तो हमारे पे मेहरबानी है हमारे शाह साहिबान की कि 2-3 हमारे चेयरमैन जो है भील कम्युनिटी के किए उसके साथ उन्होंने मुसलमान भी हमें वाइस चेयरमैन दिया वो उनके कहने पे हमारे साथ खड़े लेकिन थर पार करने ऐसे नहीं है। वहाँ कहते हैं भील जो को वाइस चेयरमैन वो राजपूत न तो थी सके, भील जो वाइस चेयरमैन ब्राह्मण न तो थी सके, भील जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन सैयद न तो थी सके, ये डिस्क्रिमिनेशन है। हमने तो सोचा कि जब से ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में हमने इस नफरत से जान छुड़ाई लेकिन अभी ये निज़ाम फिर राइज हो रहा है कि जो है अपर हिंदू होगा तो उसको पहला नंबर दिया जाएगा सेकंड नंबर वाला हिंदू नहीं रहेगा उसका वो होना नहीं पसंद करता है। तो मैं बिलावल साहब से उम्मीद करता हूँ कि इस निज़ाम को दोहरा उस पर नज़रसानी की जाएगी। अला क्या तीन तवी मरफत इन पहुँचना चाहें तो ये इन किस्म जहाँ फैसला पीपल्स पार्टी की बेहतरी में ना है उनके पीपल्स पार्टी अज न सही नेक्स्ट में पीपल्स पार्टी के ये रिव्यू करण खपन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क्यादती को इन फैसलों पे नज़रसानी इसलिए करनी चाहिए कि बहुत सारे लोग आपके साथ वफादार हैं, इनमें से किसी ने यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके कहीं और जगह पर नहीं गए, ये आज भी पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं। आप देखें जो पाकिस्तान की आपने देखा जब एमकेएम ने पाकिस्तान की मुखालफत की सिंध की मुखालफत की सिंध को बायफर्केट करने की मुखालफत की सिंध की तोड़ने की मुखालफत की मुझे कहा गया कि आपको ये मर्डर कर देंगे लेकिन मैंने कहा मेरा मरना जीना सिंध के साथ। आज भी कह रहा हूँ जो सिंध के खिलाफ साजिश करेगा मैं पूंजोमल उसी पार्टी में नहीं रहूँगा।
मेरे लिए पहले सिंध है जिसकी जिसमें मैंने जन्म लिया है, और मेरे अबा ख़ानदान मेरे रिश्तेदार कहीं दूसरे मुल्क ना जाएंगे, ना ड्यूल नेशनलिटी लेंगे, ना हमें कहीं दूसरे मुल्क के मरात याफ्ता लोग हैं। हम पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान में मरेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब एक उम्मीद नज़र आ रही है, उस लिए आपकी मार्फत जो उन्होंने 10 नुकात पेश किए हैं उसमें उन्हें मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 2 नुकात का इजाफा करके सिंध के जागीरदारों के पास जो ज़ुल्फ़िकारअली भुट्टो साहब ने ज़मीनें दी थी वो फिल फौर उनसे वापस दिलवाई जाएँ, और उसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए कि वो ज़मीनें वापस उन किसानों को दी जाएँ जिनके नाम पर भुट्टो साहब ने और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौर में दी थी, और उसके साथ साथ हमें जो है वो दोहरे वोट का हक दिया जाए। एक आप अकलती हिंदू अपना नुमाइंदा अपने वोटों से चुना करें और एक वोट हमारा जनरल मुस्लिम पे दे दें, जनरल सीट पे दे दें। हम वो चाह रहे हैं, सेपरेट नहीं, हम जुदा गाना इलेक्शन के निज़ाम के मैं पूछो मत, तो कम से कम उसके खिलाफ हूँ। ये अच्छा हुआ है कि किसी ने भी निज़ाम हमें दिया, लेकिन हम ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम में हैं, तमाम लोग तमाम मजाहब के लोग साथ वोट देते हैं, लेकिन हमें अपना देखें अभी ये कैंडिडेट किसका हो गया जहाँ के दे दे पार्टी दे रही है, लेकिन हमें अपना हक हो कि अपना वो नुमाइंदा हम खुद चुने, अपने को अपना हिंदू जाकर नॉन मुस्लिम जाकर उसको वोट दें और अपना नुमाइंदा चुने, कम से कम इससे हमारी एहसास कमतरी ख़त्म। पटेरे कहते हैं मेरे साथ 2000 वोट हैं, 20,000 हैं, अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो पीपल, ये तो वो ब्लैक मेल करते हैं। मैं तो कारकुन हूँ, शेड्यूल कास्ट का बंदा, मिस्कीन गरीब, मेरे साथ कोई भी नहीं, मैं तन तना अकेला हूँ। इन दोस्त को मेल मिल करके मैंने बोला चलो भाई अपन बात करते हैं एक, तो मैं इसलिए आया हूँ। अभी उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे कहने पे तो कोई वोटर है नहीं, ना मेरे कहने पे वोट देंगे लोग, पीपल्स पार्टी को ऑलरेडी वोट देते हैं जो भी लोग वही देते हैं। पार्टी से मैसेज दियण चाहियां थो तो पार्टी के ये करण खपे, बाकी हाँ वो कि अचन था छो अचन था मुँह तो तक पैर अर्ज कर तो थी सके तो पार्टी एनालाइज करे थी उन वोट घना थी सके तो वो उन्होंने अंदाजो होंद पोलिंग स्टेशन से शिल्पों को कढ़ाण खपन कड़ा कड़ा कड़ी पा वोट खुद दियण वन था वो हाँ पार्टी के दिसन खे। कैश रिफॉर्म्स फॉर शेड्यूल कास्ट के नाले से आऊँ सजे मुल्क में मानों तई या तहरीक या जिदोजहद यो मानों तई आगाज कंदुस, उन करे आऊँ सेटिंग क्लास के पसंद हो जाए या न हो जाए, पीपल्स पार्टी में मुझे बाजाबता यो मौकफ सदैं रहंदो, जितरा दी मुझी जिंदगी है जितरा दी मुझे अल्लाह ताला हयाती दिनी, और पीपल्स पार्टी विद इन पीपल्स पार्टी में या क्यादत तई ये शयूं कयूं बरोकार अचण ला जिदोजहद कंदो। प्रोग्राम में शिरकत की एक बार फिर मैं आपसे माजरत करते हुए कि मेरे से कोई गलती हुई, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप ये बताएं कि आप मल अपने आप को अकेला तन तना वोटर समझता हूँ, क्योंकि ये बढ़ेरे हैं यहाँ सियासत करते हैं कि जिसको टिकट नहीं ज्वाइन की है अगर उनको मैं उस प्रायोरिटी में नज़र नहीं आ रहा हूँ तो वो क्यादत का मसला है, लेकिन मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारी कम्यूनिटी में और नौजवान हैं, पूंजोमल हो सकता है कि उसमें कोई नेगेटिव हो, पूंजोमल बेहतर नहीं हो, लेकिन और हमारी कम्युनिटी में शेड्यूल कास्ट में डॉक्टर खट्टूमल की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। आज मुझे बहुत कम्युनिटी के लोग जो मतवसा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये छोटे छोटे अपने बच्चे और अपनी बीवियों को लेकर ये बरसी पे जाते हैं और जिद्दोजहद होती है, हड़तालों में जाते हैं, मुजाहरों में जाते हैं, पूरी सिंध में बरस जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं वहाँ ये अपनी फैमिलीज़ के साथ शिरकत करते हैं, लेकिन उनकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो सेठियों क्लास है आजकल, तो मैं अपने साथी को गुजारिश कदुस तो उहे अहम इशूज जेके हैं उहे हन एजेंडा में शामिल करे, या जेका मंशूर जी एजेंडा है वो 12 नुक्तन तई शामिल। साउथ सिंध का पूरा बेल्ट भरा हुआ है जिसमें ये कोली, भील, ओड, बागड़ी, मेंगवाड़, जोगी, दरावड़ और उसके बाद बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग बसते हैं, और वो मोर देन 80% से ज़्यादा हैं ये लोग रहते हैं, और ये वोट कास्ट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिसके बदौलत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 28 सीटें सूबाई की और 14 सीटें एनए की नेशनल असेंबली की इनको आसानी से मिल जाती हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क्यादत को मैं इसलिए गोश